आसाराम के पास 2300 करोड़ की बेनामी संपत्ति, आयकर विभाग की जांच में हुआ खुलासा। सूत्रों की खबर, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, किसान विकास पत्र, एफडी में हजारों करोड़ का निवेश। देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर, बिहार में 56 लोगों की मौत की खबर। राज्य सरकार ने किया 4 लाख के मुआवजे का ऐलान। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी।